जी, कुछ आगे के और सवाल डिस्कस करते हैं। सही है जी। और अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, ये लिखा हुआ है, सुहेल इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम फास्ट बैंक लिमिटेड एट 14% कंपाउंडेड सेमेनुअली। स्लो बैंक लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम वेयर बाय इंटरेस्ट वुड बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। SBL should offer a minimum interest rate of 13.16% to motivate Suhail to shift his investment from FBL to SBL. देखिए, सुहेल जो है ना, उसको 14% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हुआ, सालाना बेसिस पर इसको कितना मिलता है, पहले तो हम ये देखते हैं। तो सेमी एनुअली हमने ईआर का फॉर्मूला लगाया जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो इसका मतलब 0.14%, 0.14 डिवाइडेड बाई 2 + 1 की पावर 2 - 1, ये बनता है 14.49, 14.49%। ठीक है, देखिए 14% तो नॉमिनल रेट है ना, लेकिन जो 14% का इसको नॉमिनल रेट रिसीव होता है, अगर उसका इक्विवेलेंट एनुअल देखेंगे भाई, सालाना इसको क्या बचता है, तो इसको 14.49% बचता है। अच्छा, स्लो बैंक अगर 13.16% दे और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली करे, ऐसे ही लिखा है ना सवाल में, तो उसका जो ईएआर होगा वो कितना बनेगा, 13.16% का जो ईएआर होगा ये बन रहा है 13.82%। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर होगा ना वो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था कि भाई क्या ये, जब अगर ये 13.16% का कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट करे, तो इससे क्या सुहेल को कोई मोटिवेशन मिलेगी कि उसके पैसे वो फास्ट बैंक से निकाल कर स्लो बैंक में डाल दे, तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। रीजन ये है कि इफेक्टिव बेसिस पर उसको वहां पर, यानी कि फास्ट बैंक लिमिटेड में कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना? तो क्योंकि फास्ट बैंक में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्लो बैंक लिमिटेड, तो कोई मोटिवेशन थोड़ी होगी, समझ रहे हो? 100 रुपये डालूंगा तो 1 साल बाद 114.49 इधर हो जाएंगे, उधर 100 रुपये डालूंगा तो 1 साल बाद 13.82 हो जाएंगे, तो कोई मोटिवेशन नहीं होगी। अलबत्ता एक और काम भी हम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर 14.49% का ईएआर हो तो उसके बराबर का एनआर कितना होता है अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात हो रही हो, यानी कि जितना मुझे फास्ट बैंक लिमिटेड दे रहा है सालाना 14.49%, अगर कोई और बैंक बात करे कि भाई हम क्वार्टरली देंगे, तो उसका बराबरी का एनआर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप लोग करिए क्या कैलकुलेटर पर, मैं मैन्युअली ही कर रहा होता हूँ। 14.49 मतलब कैलकुलेटर पर स्टेप्स में करता हूँ मैं, 14.49 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा मैं, उसमें +1 करूंगा, राइट साइड पर पावर 4 है, लेफ्ट साइड पर आएगी तो पावर 0.25 हो जाएगी, उसमें से 1 को माइनस करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज के लिए 100 से। एनआर जो आएगा ना मेरे हिसाब से वो आएगा 13.76%। ये दूसरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये कि दोनों का ईआर निकाल लो, जहां ईआर ज्यादा है वहां इन्वेस्टमेंट करोगे, कम वाले में नहीं करोगे तो यहाँ पर मोटिवेट नहीं होगा वो। दूसरा तरीका ये है कि आप देख लो कि 14.49% का कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला एनआर कितना है, 13.76% है, यानी कि अगर स्लो बैंक लिमिटेड मुझे 13.76% से ज्यादा का एनआर दे रहा होता ना, अगर मुझे स्लो बैंक लिमिटेड 13.76% या उससे ज्यादा का कंपाउंडेड क्वार्टरली का एनआर दे रहा होता, तो उसका ईएआर 14.49% से ज्यादा बनता और मैं शिफ्ट कर जाता। बहरहाल दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, पहला वाला तरीका जो है ना वो उनके लिए जिनकी मैथ्स में थोड़ा सा जो है ना हिसाब किताब सिस्टम सही नहीं है उनका मैकेनिज्म, तो वो इसी से चल रहे। दूसरा वाला बहरहाल जिनको समझ में आ गया बहुत बेहतरीन बात है, और समझना जो है वो कोशिश होनी चाहिए आपकी। खैर,
अगला क्या है, सलीम इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्कीम वेयर बाय ही विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ₹160,000 एनुअली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फॉर 5 ईयर्स। हर साल के स्टार्ट में 160,000 इन्वेस्ट होंगे, आर हो गया, एनवीटी की बात हो रही है, द इंटरेस्ट रेट इज 14% कंपाउंड एनुअली, ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ द। अच्छा तो हमें क्या ढूंढना है, एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है। फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस i पावर n माइनस 1 अपॉन i मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस i। एनईटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि 5 साल बाद इतना बनेगा ये नहीं है देखना। 1.14 की पावर करी 5, उसमें से 1 माइनस किया, उसको 0.14 से डिवाइड किया, उसको 160,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको फिर 1.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120,5682 बन रहा है भाई। ये मेरे ख्याल से बन रहा है 1205682, तो वो 1056 5 जो भी अमाउंट है उससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा ही है तो फिर मेरे ख्याल में हम देख लेते हैं एक बार क्या पूछ रहा था। इफ द इंटरेस्ट रेट कमांड ही वुड रिसीव एट द एंड ऑफ, नहीं इससे ज़्यादा मिलेगा, जवाब होना चाहिए इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से 1205682, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है जनाब। अगला टू डैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट डिस्काउंटेड शुड बी एडजस्टेड डैश। देखें अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू को क्या करना है भाई, क्या करना चाह रहे हो, दोनों जगह पे डैश डैश डाल दिए। अच्छा ऑप्शंस क्या दिए हैं, अच्छा ड्रैग डाउन मेन्यू होगा, ये ड्रैग डाउन मेन्यू होगा, बहरहाल ये एमसीक्यू नहीं है, ये ड्रैग डाउन मेन्यू। टू इन इंक्रीज बोलना चाह रहे हैं, डिक्रीज, दो जुमले हो सकते हैं, टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट द डिस्काउंटेड शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड्स, ये भी सही है, या फिर टू डिक्रीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट द डिस्काउंटेड शुड बी एडजस्टेड अपवर्ड्स। अगर डिस्काउंट रेट को बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, अगर डिस्काउंट रेट को कम करोगे प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, जो भी आप उसमें से सेलेक्ट कर लो ड्रैग डाउन में से। इंक्रीज करो अगर प्रेजेंट वैल्यू के साथ तो फिर डिस्काउंट रेट डाउनवर्ड्स करना सेलेक्ट, डिक्रीज करो प्रेजेंट वैल्यू के साथ तो फिर डिस्काउंट रेट के लिए अपवर्ड्स करना। फिर क्या है, कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट ₹6 मिलियन इन टू अ प्रोजेक्ट विच विल यील्ड 10, 12 एंड 14% ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। एक जगह पर आप 6 मिलियन रुपए लगा दोगे, 6 मिलियन लगा कर जो है ना वो आपको पहले साल 10%, दूसरे साल 12% और तीसरे साल जो है ना वो 14% रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। अब जब रिटर्न मिलता है ना तो वो री इन्वेस्ट होता है या नहीं होता है, ये एक बहस है, लेकिन मेरे ख्याल में इस लेवल पर वो इस बहस में जाना नहीं चाह रहा। बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज़ रखते हैं हम, ये नंबर 0 है 1 है 2 है 3 है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा वेग सवाल है, खैर छोड़ें इसको, आप बस जो समझा रहा हूँ वो समझ ले, लेकिन ये कि हाई लेवल पर आप थोड़ी सी इस पर बहस भी सीखेंगे। अ कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 6 मिलियन, आपने एक जगह पर 6 मिलियन रुपये आज लगा दिए आउटफ्लो इन टू अ प्रोजेक्ट विच विल यील्ड 10%, 12% एंड 14% ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। पहले साल आपको 10% मिलेगा, 6 का 10% 0.6, दूसरे साल 12% मिलेगा, 6 का 12% 6 × 12% 0.72, तीसरे साल 14% मिलेगा, 6 का 14% 6 × 0.14 यानी कि 0.84। द कंपनी विल ऑल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा तीसरे साल के आखिर में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रिकवर हो जाएगी, तो इसको 6.84 कर देते हैं, 0.84 तो रिटर्न है और 6 मिलियन वो भी मिल जाएंगे। इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% एनपीवी दिस प्रोजेक्ट, एनपीवी ढूंढनी है ना, एनपीवी ढूंढनी है तो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्काउंट फैक्टर जो है वो 9% के हिसाब से लगाएंगे, एनपीवी ढूंढ लेंगे, पहला 1 होगा, दूसरा 1 / 1.09 बन जाता है 0.917, फिर बन जाता है 1/1.09 की पावर 2 यानी कि 0.842, तीसरा 1/1.09 की पावर 3 यानी कि 0.77।
मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव का 6 मिलियन, 0.6 इंटू 0.917 ये 0.55, फिर 0.72 इंटू 0.842 यानी कि 0.606, फिर 6.84 इंटू 0.77 यानी कि 5.27। 0.55 प्लस 0.606 प्लस 5.27 माइनस 6, 0.426, 0.426 आ रहा है मेरा आंसर। मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है सारी चीजों को। कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ 0.6 डिवाइडेड बाय 1.09 प्लस 0.72 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 2 प्लस 6.84 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 3, माइनस कर देते हैं उसे 6। अच्छा, अगर मैं कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करता हूँ ना, तो 0.4382033144 मिलियन आता है, तो फिर ये सी आंसर होगा। अगला प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2 मिलियन इज एक्सपेक्टेड यील्ड 300,400 एंड 1.9 मिलियन एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स एक्सपेक्टेड इज आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। बड़ा आसान तरीका है, अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए तो एनपीवी 0 होती है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, 0 इज इक्वल्स टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। सिर्फ ये कंडीशन तब होती है जब आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए। तो पीवीसीआई इज इक्वल्स टू पीवीसीओ, बहुत बार लेक्चर्स में डिस्कस किया है। पीवीसीआई प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 1, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 2, 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 मिलियन। अब थोड़ा सिंपल कैसे करें इसको, दोनों साइड्स को 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं, चीजें सिंपल हो जाएंगी। ये 3/1 प्लस x हो जाएगा, दूसरा जो है वो 4/1 प्लस x पावर 2 हो जाएगा, तीसरा जो है वो 1/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 3 हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, चीजें सिंपल करने के लिए, जिंदगी आसान बनाने के लिए। यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं, 1.1 प्लस x की पावर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली टर्म को जब 1 प्लस x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, और यहाँ पर 1 प्लस x की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 1 प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पर 19 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 प्लस x की पावर 3 आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, हर टर्म को 1 लाख से डिवाइड किया चीजें सिंपल करने के लिए, फिर मैंने डिनोमिनेटर हटाने के लिए जो 1 प्लस x की पावर 3 हाईएस्ट पावर थी ना, उससे सबको मल्टीप्लाई किया ताकि सबके डिनोमिनेटर हट जाएं। अब ये इतना सिंपल बन गया ना, तो आप इसको कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करो और फिर आईआरआर वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका बेहतर होगा। दूसरा ये कि आप यहाँ तक पहुँच जाओ, आप या तो कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व कर लो, या फिर जो आपको आंसर्स दिए हुए ना उसमें से कोई भी एक आंसर सेलेक्ट कर कर इसमें पुट इन कर कर देखो कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ रही है या नहीं, समझ रहे हो। तो कैलकुलेटर पर पुट इन करने वाला तरीका मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा, आराम से हो जाएगा, सही है ना। कैलकुलेटर पर इक्वेशन आई होप कि आपको सबको सॉल्व करना आती है, तो आप ज़रा करें इसको।
अच्छा जी, तो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर कर ना आप आंसर को निकाल सकते हैं, थोड़ी देर में आपका आंसर आएगा। मैंने अभी अभी कैलकुलेटर पर इक्वेशन पुट कर कर सॉल्व किया और मेरा आंसर 10.65 आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर जो है ना वो 10.656 आ रहा है, तो वो 10.66 बनता है। अगला, अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2.5 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज ऑफ, अच्छा वैसे ही सवाल है, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट ईयर द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 11%। ट्रू, अगर ये आईआरआर है तो पीवीसीआई यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर होनी चाहिए। ये हम चेक कर लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज का मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई पहले साल के एंड का है ना, ये 1 प्लस 11.7% की पावर 1, दूसरा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11.7% की पावर 2, और तीसरा 2.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11.7% की पावर 3। चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 2.5 मिलियन ही बन रहा है, तो ट्रू होगा। ठीक है जी, ट्रू होगा आंसर, मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लीजिएगा। जब आप चेक करेंगे ना तो तकरीबन इतना ही आ रहा होगा, तकरीबन इतना ही आ रहा होगा। मेरे पास 2500331 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना वो सही है। ठीक है ना, ट्रू है। बहरहाल अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें, थोड़ा सा ऊंच नीच बंद हो रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सवाल आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो जो है ना वो ये माने नहीं रखता 364 रुपये के अमाउंट का फर्क आ रहा है। इक्वेशन के थ्रू अगर हम आईआरआर ढूंढ लें एग्जैक्ट, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 1, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 2, और 2900000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 3 इज इक्वल टू 2500000। एग्जैक्ट अगर मैं ढूंढ लूँ, मैं करता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस α(x)(+3)/(1 प्लस α(x)(2)। अगला है 2929/(1 + x)/3, फिर है इज इक्वल्स टू और 25, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को राउंड ऑफ किया। देखते हैं क्या बनता है, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा, कैलकुलेटर बता रहा है 11.705%, छोटा सा फर्क है। तो मेरे ख्याल में हम इसको ट्रू कर सकते हैं, लेकिन हाँ सही है यार, ट्रू कर सकते हैं, कोई मसला नज़र एज सच नज़र तो नहीं आता। बहुत ही छोटा सा एरर है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर्स में जो है ना ऐसा सवाल नहीं आएगा कि जिसमें जो है वो इस तरह फर्क हो। खैर आगे चलते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यानी कि अब जो है ना वो स्टैट्स के कुछ सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, और वो ये पूछ रहा है भाई कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाते हो ना, तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम स्टैट्स जो है ना उसके यहाँ तक हम करते हैं, और फिर स्टैट्स वाले सवालात को जो है ना वो
सेपरेटली डिस्कस करते हैं आगे जो भी स्टेट्स वगैरह के आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, आगे फिर अगली वीडियो में मज़ीद सवाल डिस्कस करते हैं।